दोस्तों, शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्य से और अन्न से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दूध। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। घी। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शक्कर। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इत्र। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चंदन। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। भांग। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और बुराइयां दूर होती हैं। धतूरा। भगवान भोलेनाथ की धतूरे से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। आंवला तथा आंवले का रस। शिवलिंग पर आंवला तथा आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गन्ने का रस। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों के मध्य में प्रेम बना रहता है। गेहूँ। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी होता है। चावल। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तिल। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों समस्त पापों का तथा रोगों का नाश हो जाता है। जौ। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र। भगवान भोलेनाथ की बेलपत्र से पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। दूर्वा। भगवान भोलेनाथ की दूर्वा से पूजन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हरसिंगार के फूल। भगवान भोलेनाथ के हरसिंगार के फूलों से पूजन करने पर जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।